इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं। पूरी काशी मोदी मोदी कर रही थी, लेकिन पीएम मोदी कदम कदम पर योगी योगी कर रहे थे। जी सिर्फ काम ही करते रहते हैं कि कुछ कभी कभार अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? छप्पन इंच का सीना पता है भैंस को, नापो को ना, भैंस का भी नहीं आता छप्पन इंच का। पाकिस्तान में घुसे थे मारने के लिए, अभिनंदन को पकड़वा दिया। तो आपा खो रहे हैं अपना। अरे आप बोलिए ना, एक सेकंड अपना। आरपी सिंह जी, मेरा सवाल ये था आरपी सिंह। हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी गोदी मीडिया में इकट्ठे कुछ मजेदार किस्सों की करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी काशी गए, वहां जाकर उन्होंने कई बड़े ऐलान भी किए। कुछ विपक्षी नेता उसे उत्तर प्रदेश के चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री मोदी काशी जा रहे हो और मीडिया ने इसे भी एक इवेंट बनाकर पेश ना किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी खबर के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी की तरफ से किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर पहले एयरफोर्स के प्लेन से वाराणसी एयरपोर्ट लैंड हुए हैं। कुछ ही देर में वो BHU के हेलीपैड पहुंच जाएंगे। 8 महीने बाद ही जब पीएम वाराणसी पहुंचे और करीब 1,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स काशी को दिए, तो उन्होंने तारीफों का भी एक पुल सीएम योगी के नाम का बना दिया। पूरी काशी मोदी मोदी कर रही थी, लेकिन पीएम मोदी कदम कदम पर योगी योगी कर रहे थे। काशी में हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने BJP के मिशन UP की शुरुआत कर दी। काशी के लिए 1,500 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने योगी सरकार के विकास मॉडल पर एक तरह से मोहर भी लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे से पहले कुछ वीडियो सोशल मीडिया में आई, जिनमें सड़कों के किनारों पर पर्दे लगे हुए थे, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरना था। मीडिया इसे दिखाना भूल गया। इसके अलावा हाल ही में बरसात के दिनों में काशी से कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिनमें सड़कों पर पानी भरा हुआ था। मीडिया वह भी दिखाना भूल गया। देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की ऑटो तक और तमाम जो गाड़ियां हैं वो सब पानी में बंद हो जा रही है। मीडिया भले ही जमीनी हकीकत कम दिखाए, पर वह सरकार की चाटुकारिता करना नहीं भूलता। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर मीडिया में डिबेट का दौर शुरू हो चुका है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं और मीडिया उनसे तीखे सवाल कम और ज्यादा तारीफ करता दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि आप भी दिल्ली आए और दिल्ली के लोग भी लखनऊ आए। मान लिया जाए अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से, या फिर योगी आदित्यनाथ और BJP पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। योगी जी सिर्फ काम ही करते रहते हैं कि कुछ कभी कभार अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये योगी जी कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन आपके ऊपर, क्योंकि आपकी इमेज इस तरह की है, आप हिंदुत्व के प्रतीक माने जाते हैं, तो लोग आप पर हमेशा एक निशाना साधे रखते हैं कि कहीं ना कहीं शायद आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ अन्याय कर रहे हैं। कम से कम अपने वक्तव्यों में ऑपोजिशन हर वक्त यही डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती है। आप इनको क्या कहना चाहेंगे? आपने अभी धर्मांतरण का एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा भी किया है। लग रहा है कि आपके सामने एक रेनबो कोलिशन जो है बनाने की कोशिश शुरू हो गई है। मीडिया पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर डिबेट तो नहीं कर रहा, और अगर एक दो दिन पेट्रोल की कीमतें में वृद्धि नहीं हुई तो वह इसे राहत बता रहा है। आम जनता इसको लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। आप ये एक अनोखा अंदाज देखिए। मुझे बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे मीडिया तो जनता से सवाल नहीं कर रहा, पर कुछ पत्रकार हैं
वे जनता से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सवाल कर रही हैं। आप खुद सुनिए जनता क्या कह रही है। 100 रुपए का। तो कितने का माइलेज देता है आपका स्कूटर? 30 का। 30 का। तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? दिल में मन में तो बहुत सारी गालियां आती हैं, लेकिन अंदर अंदर पी जाते हैं, क्या करेंगे। गर्व महसूस कीजिए ना, बाबा रामदेव कह रहे गर्व महसूस कीजिए। इसको वो पहन के भागा था कि 30 का पेट्रोल मिलेगा भाइयों, 30 के पेट्रोल पर डलवाओगे 400 का सिलेंडर, 800 का सिलेंडर कर दिया, 830 का, और 30 रुपए का कर करके पेट्रोल देगा, कितना महंगा कर दिया पेट्रोल। इससे अच्छा तो पाकिस्तान में सस्ता है, क्या बात कर रहे हैं, सस्ता पेट्रोल। आपका पैसा कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान की सेना को मोदी जी घर में घुस के मारते हैं। किसको? मोदी जी। तो मोदी जी पाकिस्तान की सेना को कब मारिया? 56 इंच का सेना है भैया, 56 इंच का सीना। पता है भैंस को नापोगे ना, भैंस का भी नहीं आता है 56 इंच का। पाकिस्तान में घुसे थे मारने के लिए, अभिनंदन को पकड़वा दिया, दोनों जहाज हमारे ही गिरे थे इंडियन, एक उनके कश्मीर में गिरे थे, एक हमारे इधर वाले कश्मीर में गिरे थे, दोनों जहाज इंडियन ही गिरे थे। और जो अंधभक्त है ना, वो कहते हैं 56 इंच का सीना अंदर घुस के मार दिया। अरे हमें भी तो दिखाते ना, अगर पाकिस्तान का कुछ पकड़ा था, उन्होंने तो अभिनंदन दिखा दिया पकड़ के। अच्छा आप खुश नहीं है ना? अरे खुश कहाँ से होंगे यार, जेबें खाली हो गई, सब कुछ चले, तो काम नहीं, ऊपर से वैसे काम नहीं, जो नौकरियां बच्चों की थी वो भी गई। योग गुरु रामदेव भले ही पेट्रोल डीजल कम करने को लेकर कोई सवाल सरकार से ना कर रही हो, पर वह पतंजलि का प्रचार करते न्यूज चैनल पर जरूर दिखाई देते हैं। इस बार भी वह कुछ ऐसा कर रहे हैं। कंप्लीट करिए फिर मैं अगला सवाल पूछूंगी। देखो मीनाक्षी जी, हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस, प्रोफेशनल वर्किंग, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम किया और लोगों के लिए आज पतंजलि इस रूप में मिसाल बना है कि यदि सच्चाई ईमानदारी से लोगों के फायदे को ध्यान में रख करके, मैं बार बार कहता हूँ, हम व्यापार के लिए काम नहीं करते, हम उपचार और उपकार की भावना से पुरुषार्थ करते हैं, और उससे भी जो अर्थ आता है उसको परमार्थ में लगाते हैं। कलयुग में करयुग है यद्यपि, तो सरकार को भी कर की ज़रूरत है, लेकिन वो भी इतना ही पैसा ले कि जो है लोग भी जिंदा रहें। बोले खून इतना ही निकालना चाहिए व्यक्ति के शरीर से जिससे कि आदमी को आयरन की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी ना हो जाए। मीडिया डिबेट में बहसबाजी ज्यादा और मुद्दों का समाधान कम ही होता है। ऐसी ही एक डिबेट न्यूज 24 पर हुई, इसमें कांग्रेसी नेता ने मोदी पर टिप्पणी की तो बीजेपी नेता इस पर भड़क उठे। मैंने तो कहा कि प्रधानमंत्री को अगर आपने भिड़ा कर दिया, आप क्या तो बताएगा कि कौन सा राहुल गांधी के कुत्ते पर बिस्कुट खिलाएगा, कौन सोनिया गांधी के पूडल को बिस्कुट खिलाएगा, उसकी लड़ाई चलती है आपके यहाँ। याद है, आप बताइए, आप पिंडी के साथ है, पूडल के साथ है, आप किसके वाले से, आप किसके वफादार है, पिंडी के वफादार है या पूडल के वफादार है आप? मैं पूछ रहा हूँ, पितातुल आडवाणी जी कहाँ हैं? और सेहरा मिला था सोनिया जी को, मनमोहन सिंह जी को 10 साल प्रधानमंत्री बनाया, हमारे पितातुल हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, आप किसके आगे पूछ लाते हो? ये तो आपा खो रहे हैं अपना। अरे आप बोलिए ना, एक सेकंड, अपना आरपी सिंह जी, मेरा सवाल ये था आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी आपका शीशा दिखाया, दर्पण दिखाया आपको, आरपी सिंह जी दर्पण दिखाया आपको, शीशा दिखाया कि आपकी औकात क्या है कांग्रेस सत्ता में आप हैं जनाब। आप गोदी मीडिया को लेकर जो भी विचार रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए बने रहिएगा पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।